मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों परदेसियों, नाराज मत होना। अब दोबारा से अपने बहन भाइयों से सबसे माफी मांगो मेरी तरफ से, अहमद की तरफ से। थोड़ा क्लोज व्यू दिखाऊं ताकि और जो है ना मुझे नहीं रोटियों को ये देखे। तेरा काम है तू लाती भा तुझू पता था भा मिस मामा नाले से शामिल है ना भा लामा नाले से का नहीं अब भाता नहीं लगा बाबा मिस में दो ये देखें जी ये लगे हुए हैं अभी थोड़े थोड़े छोटे हैं। सुभान अल्लाह और आज है भी बेगम साहिबा साथ। आप सबके साथ एक चीज जरूर से जरूर शेयर करता चलूं वो चीज ये है कि बेगम साहिबा कहां बैठी हुई है। यहां से गुजर रहा था तो मेरी नजर पड़ी है जी तिल के पौधे पे। एक सिस्टर ने कहा था कि प्लीज तिल के बारे में बताइएगा कि ये कैसे इसका पौधा होता है। ये है जी इसका पौधा और ये इसके ऊपर देखें कच्चे कच्चे से तिल अभी लगे हुए हैं। अच्छा ये लकड़ियाँ हमारी रखी हुई हैं ये अभी ज़मीन ख़त्म हुई है ना मतलब इसका जो फसल थी वो कटी है तो ये लकड़ियाँ बाद में ना जलाने के काम आती हैं तो ये वाली हमने काट के रखी हुई है इधर। इनको फिर बांध के ले जाएंगे घर और सुखा के तो फिर रोटी बनाएंगे। आज तुरई खाने का फुल मूड है देखते हैं अल्लाह करे हुई हो कुछ। तो रास्ते ऐसे हो गए हैं बारिशों की वजह से कि बंदा बहुत मुश्किल से गुजर सकता है। इधर कोई भी नहीं है सिर्फ एक ही नज़र आ रही है वो सामने लेकिन वो भी अभी नहीं तोड़ेंगे बड़ी हो गई है काफ़ी बड़ी हो गई ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम कैसे हैं आप सब अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी आमीन सुम्मा आमीन। तुरइयाँ तो मिली नहीं है भिंडियाँ देख के जा रहा हूँ दोपहर में जाके फिर वो तोड़ लूँगा क्योंकि दोपहर को जब तंदूर जलाते हैं तो कटोरी में डाल के थोड़ा सा रख देता है बंदा बहुत मज़ा करता है। रोज़ाना अंदर से बाहर निकल के आपके साथ ये व्यू शेयर करते हैं आज उल्टा। अंदर आ गया हूँ जी अंदर आके देखा है तो बेगम साहिबा ने एक नया ही कारनामा अंजाम दिया हुआ जी ये है जी बिल्कुल प्योर मक्खन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों क्या हाल है ठीक ठाक है खैरियत से हैं। ये मैंने मलाई जमा की है ना हमारे घर में भैंस वही डब्बा जो आपको दिखाते थे जी। हाँ जी ना हमारे घर में भैंस है ना कुछ है लेकिन हमने मलाई रोजाना जमा करते करते मेरे घर में 2 किलो दूध आता है और लस्सी घर की बन गई है मक्खन हो गया और दूध का दूध हमने पी लिया दूध का दूध और पानी का पानी दूध का दूध और मक्खन का मक्खन। अच्छा जी बना भी इसके अंदर ये ब्लेंडर के अंदर। हाँ जी वाह क्या बात है समझदार बीवी का एक तीर से दो शिकार तीन शिकार दूध भी पी लिया चाय भी पी ली लस्सी भी पी ली मक्खन भी बन गया मलाई भी खा ली चार शिकार। बेगम साहब के नए नए कारनामे आप सबने देख ली दूध भी पी लिया लस्सी भी पी ली चाय भी पी ली और अभी मक्खन और इस मक्खन के बाद मुझे लगता है कि अगला स्टेप जो है वो देसी घी बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जिंदाबाद सवेरे सवेरे बाबा लिखनी है थी। हाँ कह रही है मौसम काफ़ी ख़राब है तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी ही बना लूँ। पिछले वीडियोस में जैसे आप सब ने देखा है कि हम लोग यहाँ पर कुछ पौधे मैंने लगाए थे 1-2-3 अभी तक रखे हुए हैं तो सोच रहा हूँ कि अभी उनको लगा दूँ और इस काम में मेरी जो हेल्प करेंगी वो अद्दी करेंगी। अद्दी हो वो पौधे के संतरा है तेरे बच्चे बयान वो रखे हैं और सूख रहे हैं बाहर काटा है ना गोदी। पंप का भी अभी तक कोई सेटअप नहीं है ऐसे पड़ा हुआ है डर काफ़ी सारा लगता है इससे और ट्राली के साथ हमने इसको ढांपा हुआ है बारिश की वजह से। दुआ करें कि जल्द अज जल्द हम लोग उम्रा करके वापस आ जाएं और हमारा ये जितना काम पेंडिंग में है ये सारा जल्द अज जल्द जो है ना वो हो जाए। ये वाला तो सूख गया ये वाला ठीक है जगह डिसाइड नहीं हो रही कि कहाँ लगाएं। मैंने कहा एक वहाँ लगा देते हैं एक इनके सेंटर में लगा देते हैं बाकी एक बच जाएगा वो वाला जो है हम बाहर लगा देते हैं। ये वाला भी सूख गया है लेकिन ये हो जाएंगे लगाएंगे ना दोबारा से हो जाएंगे। अद्दी डात्री चाह रहे इनल रही ना वैसे
ये वाले अभी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। हूँ इन नाल पहले उससे कर रहा था, लेकिन उससे जो है ना अदी ने कहा ठीक नहीं होगा, इससे बनाओ। अदी इतना अनार ना रहूँ, अनार क्योंकि उधर लीमू है, इधर अमरूद है, सेंटर में अनार हो जाएगा। एक ये लगा दिया है नींबू, वो लगा दिया अनार। ये देखें हाथ चेक करें। राबिया इधर आओ, मेरे हाथों से पानी साठ जल्दी आ। बच्चों को डांटना दिखाता हूँ राबिया को, उसको पता नहीं है कैमरे का, डांट रही है। नहीं तुम अपनी माँ को बता रही थी कि पापा पीछे से कैमरा खोल के आ रहे हैं, हैं? सलाम करो। हाँ देखो मेरे पास आके छुपी है। नहीं भाई नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं करना। हटो। नहीं नहीं नहीं, ये इससे मार के भागी है। चलो कोई नहीं, सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। बोलो मुझे बचा लो, मुझे मार रही है मम्मा। बोलो ना, बोलो फुफो मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। हाँ मुझे मार रही है। सुबह जब इनका स्कूल टाइम था उस वक्त इतनी तेज बारिश हो रही थी, फिर हमने जो है ना इनको भेजा नहीं, क्योंकि आगे रास्ते विलेज के पूरे कच्चे हैं। थोड़ा ज्यादा मौजा लग पे ना, ये रात को ही कह रही थी सुबह बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। हैं? तीन दिन हो गए ना मत बारिश को भी। अभी भी कंडीशन आप सबके सामने है। हाँ जी। कह रहे जहाज में ना पे घुमा फिर। हाँ खड़ो खड़ो स्कूल तो वहां बारिश की वजह कौन करने गए। हाँ छुट्टी थी क्या वाला वाली आयो डा बजे नाल। हाँ कोई नहीं आया था, बारिश हो रही है ना। कोई जाता है कोई नहीं जाता, ख्याल करते चलाते के लोग रास्ते खराब हैं। गुड बाय। आप सबके साथ एक चीज जरूर से जरूर शेयर करता चलूं, वो चीज ये है कि बेगम साहबा कहाँ बैठी हुई है। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, 10 रुपए दे दो। बेल दिए घर वाले मकान मालिक को, मकान मालिक के सामने खड़े हैं। नहीं सोच भी पकाऊं क्या। इसके साथ मैं यहाँ बैठा था, मेरे साथ ये यहाँ बैठी थी, और अभी देखें बैठी हुई है वहीं पर। मैं और मेरे भतीजे हैं, मैं उठ के खड़ा हो गया, ये वहीं की वहीं बैठ रहेगी। और यही इसकी ज्यादातर आदत है, बाहर निकलेगी ना जब ऑफ द कैमरा हम लोग होते हैं तो इधर बैठ जाएगी, उधर बैठ जाएगी, या उधर बैठ जाएगी। बेहतर है कि चारपाई डाल के बैठ जाए। चारपाई ले तो आए, लेकिन ऊपर का कुछ पता थोड़ी है कोई क्या हो जाए। हल्की सी चारपाई लेके भाग लेंगे अंदर। हाँ। पकाने के ऊपर पकाना। पकाना क्या है? चलो सब्जी तोड़ के। कहाँ से? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ से? तुम चलो मेरे साथ, ये नजदीक है। नहीं उधर नहीं जा रहे हैं। उधर कहाँ वाला? कहाँ? ये नहीं 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 नहीं, सब्जी अपने घर में रखी। तो फिर पूछ क्यों रही हो? पकाने पूछ रही हूँ कि आलू पका लूँ, कलेजी पोटे पका लूँ, क्या पका लूँ? कलेजी पोटे कल परसों तो खाए, फिर आलू पका लूँ। आपके घर में भी ऐसा होता है कि आज क्या पकाएं? कल असल में कल मैंने पकाया था पालक गोश्त, वो भी थोड़ा सा रखा हुआ है। मैंने कहा दो आलू रखे तवे पे भून लेती हूँ, गुजारा। काम करो तुम अपना, जो भी पकाओ पकाओ, मुझे टोकरी दे दो, मैं अपने लिए कोई थोड़ी सी चीज ले जा रहा। काम मांगने जा रहे हो? दूध में रख के बना दे। मांगने जा रहे हो? टोकरी ला के दूं? ला रही हूँ टोकरी, मैं जा रहे मांगने के लिए। इसके मांगने का देखना अंदाज। जल्दी से लाओ। अक्सा किरे ही ना मनी मेरे नाल जल्द सब्जी पटवानी। ओके। इस साल पूरे विलेज में सब्जी नहीं हुई। अब एक तरफ मैंने देखी है उधर, वो भी मेरे कज़न की, अभी उस तरफ देखता हूँ शायद कोई लगी हुई है। वो जहाँ पे PMT लगी हुई है उसके साथ सब्जी लगी हुई है, अब वहाँ जाके देखते हैं। वहाँ मेरे पास कहानी बे पास मैंने पे जुलती जुलती ना कच्चे रास्ते ना कच्चे कहानी पक्की भी है रास्ता सूखा पे। चलो ठीक है। हाँ दी क्या आग दी भैया दियो लगी पे मामे पास है और एक कहानी अरे बे पास है मैंने पे। राबिया वो खंभे के पास आग लग गई, वो देखो लगी है या किसी ने लगाई है कोई पता नहीं। ओए 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 ऊपर से हो सकता है कि ऊपर से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, बिल्कुल खंभे के ऊपर तो हमारे बिजली के मीटर लगे हुए। हालांकि हमारा घर ये सामने रहा, लेकिन बेगम साहिबा किस्मत से फुर्सत से विलेज की तरफ आती हैं, आज अल्लाह का शुक्र है आ रही। ये भी आग लगी हुई तो वो देखने के लिए जा रही है ना। हाँ जी हाँ जी। चलो
मैंने कहा बुझा दूं। ऊपर बारिश वैसे भी हो रही है, वाले कोई कोई होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आग लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन बुझाने वाला कोई कोई। तेरा काम है, तू लाती भा हाँ? ना ला और बिजली से मीटर लगे खड़न चूचू ने लगाई हुई है। अच्छा चूचू भी अब आग लगाने लगा है ये इसको रूड़ी को चूचू आग नहीं लगाने लगा रूड़ी मैंने कहा चूचू भी अब आग लगाने लगा, हम बुझाने वालों में शामिल है, कहीं भी आग लगे चूचू अपना काम भा लावण का नहीं भा मिसमावण है। एक हमारा मीटर ये लगा हुआ है जी मस्जिद का है ये, और हमारे घर का मीटर उस तरफ लगा हुआ है। गांव में कुछ मीटर इस तरीके से लगाए जाते हैं, देखें यहाँ पर, और यहाँ से वायर हमारी वो सामने जा रही है, वो ऐसे वो सीधी उधर हमारे घर जा रही है, और ये वाली मस्जिद की तरफ जा रही है। हाँ हो ना चूचू मुर्दा एड़े लावे हां भाई एड़े एड़े ही जाते हैं। क्या वास्ते भा लाती है? लाता क्यों हुई? लाता क्यों हुई? ਇਹ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਆਖੇ ਵੰਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੂਕ ਕੇ ਚੁਚਾਇਆ ਮੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕਚਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਲਾਤੀ ਓਡੇ ਲਾਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਥਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਓਡੇ ਤੱਲੇ ਲਾਵੇਂ ਇਹ ਤੂੰ ਤੱਲੇ ਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਵੰਜਾ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚੂਚੂ ਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਸਾ ਭਾ ਮਿਸਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਭਾ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚ ਕਾਨੀ ਆਪਾਂ ਭਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਰਾ ਨਾ ਯਾ ਤੇ ਚ ਭਾ ਲੈਂਦੇ ਰਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਤਾ ਕਰਾਚੀ ਚ ਸਰੀ ਇੱਕ ਆਗ ਲੱਗੇ ਦਾ ਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਲਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥਾਂ ਕਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਹੁਣੇ ਕੋ ਮਿਸਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦੀ ਪਿਆ आओ तो बारिश थी नहीं खड़ी है पूरे समय लेंगे तकरीबन अभी एक साल डेढ़ साल हुआ है कि हमारी विलेज में जो है ना इधर ये बिजली आई है। इससे पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा गुप, जिस तरह भी कहीं दूर दूर तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। मैं कह रहा हूँ अभी एक साल अभी साल डेढ़ हुआ है कि बिजली आई है हमारे इलाके में। बारिश की वजह से सब्जी भी सारी खिल उठी है माशाल्लाह। अच्छा ये सेब अरबी के पत्तों की, ये कद्दू है राबिया, लौकी, ये सारा लौकी की, ये देखें जी सारा लौकी बिछा हुआ है सारा। अंदर नहीं जाना, मिर्चे तो है नहीं राबिया, मैं तो मिर्चे ज्यादा तोड़ने के लिए लौकी ढूंढ के लाऊं? नहीं अहमद अंदर नहीं जाना, मुझे कल पका देना। एक तो ढूंढ के लाऊं, बरसात का महीना, एक तो ढूंढ के लाऊं, एक 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 कीड़े मकोड़े का डर है। नहीं मैं सिर्फ पैर फूंक फूंक के रखूंगा। तुम उधर ही रुकी रहो, सिर्फ पाँव फूक फूक के रख के एक ढूंढ के लाऊंगा बस, ज्यादा नहीं। कहाँ है? छोटी सी है वो तो, क्या नहीं नहीं थोड़ा बड़ा चाहिए। ये देखें जी ये लगे हुए हैं, अभी थोड़े थोड़े छोटे हैं, मैं ढूंढ तो लूँ कोई अच्छा सा बड़े सा। तुरैया भी पकी हुई है राबिया, इधर तो लौकी ढूंढ रहा हूँ लौकी। राबिया खीर पेड़े हैं, ये भी लौकी है छोटे वाला गोल वाला। बारिश हो गई है जी बहुत तेज, और लौकी हमें एक भी नहीं मिला, एक मिला है राबिया कह रही है इसी से गुजारा कर लो, इसका क्या बनेगा। सब्जी तो हमें मिली नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ हाल हो गया राबिया तुम्हारी वजह से और ऐसा चल रहा है। तुम मेरा तेज तेज चलो, कुछ नहीं होता, अभी रुक जाएगी। सुभान अल्लाह, और आज है भी बेगम साहिबा साथ। अक्सा मैं चलो नहीं आ रही थी। सुभान अल्लाह सुभान, ये समझ ले कि हमारे गांव में रिकॉर्ड टूटा है जी बारिशों का इस दफा, कभी नहीं आई हमारे। हाँ इतनी बारिशें नहीं आई। चलो ना एंजॉय करते हुए चलेंगे, छतरी ले आते हैं। अब पता थोड़ी था उस वक्त तो धूप निकली हुई थी। देखो अभी खुल भी गया बादल, देखें जी इधर से बिल्कुल खुल गया। अभी बहन भाई कहेंगे राबिया जख्म नहीं भीगा, जख्म खता खता खराब हो जाएगा बारिश के, खता हो जाएगा, पता थोड़ी था कि एकदम से बारिश आ जाएगी। बस बारिश में नहा नहू के सब्जी तो हमें मिली नहीं है जी, जिसकी सब्जी थी उसने कहा कि आप घर चलो आपके पास, मैंने सुबह तोड़ के रखी है, घर से ही भिजवा देता हूं। तो आपको बारिश में ना, इधर आ जाओ अक्सा, इधर आ जाओ, टोकरी खाली लेके आ गए हैं बारिश में नहा के। सुभान अल्लाह, मैं तो ये सीन छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। और राबिया कहती है कि अक्सर बहन भाई फिर कहते हैं अहमद तुम जुल्म करते हो, राबिया कहती है बहन भाइयों के साथ जो परदेसी हमारे बहन भाई हैं वो तंदूर की रोटी देखते हैं, और आज तो इसको होगा जी मक्खन का, वो क्या कहते हैं उसको, आज तलक से मक्खन दी तलखी कि दी। अच्छा राबिया ये थल्ला बड़ा बड़ा आ गया, छोटा हो गया, इधर भी पानी आ रहा है।
वैसे मुकाबला इनका बहुत देखने वाला होता है जब दोनों ऐसे शबा रबी शबा देखते हैं कौन पहले बनाती है रोटी। नहीं अभी अभी तू पहले पेड़ा चाक दी तू उधर रोक बने यहाँ। हाँ वाह वाह ए पका के ना ते कौन जीत्या अद्धी जीत गई अद्धी जीत गई नहीं राबिया जीत गई। ख्याल करें पहले सड़ाई होती है हाथ नहीं वो देखो रोटी कितनी चाहिए। अभी जी मक्खन जो है ना जब इनको रोटियों को लगेगा फिर आपके साथ करेंगे जी शेयर। गर्मा गर्म मुझे ये वाली रोटी बहुत पसंद है जो ऐसे सेकी ऐसे हो ना कड़क वाली मुर्कू 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 अद्धी आज मैं को बढ़ा रहे आज मैं कोई बड़ा नहीं अदी मिर्चा मिर्चा। हाँ सब्जी तो आप सबके सामने है जी सब्जी मिली नहीं है जो कुछ भी है लेकिन बेगम साहबा और बच्चे अपने लिए बनाएंगे जी जो कुछ भी रखा हुआ आलू तवे पहले इस पे बनाऊंगे मैं आलू बनाएंगे इधर और मैं मिर्चें आज मेरा काफी दिल कर रहा है मिर्चें हैं और साथ में मक्खन होगा साथ में अचार होगा सुभान अल्लाह। वाह जी वाह मुझे लगता है रोटी बन गई है। हाँ जी रोटी बन गई मैंने कहा गरम गरम रोटी मक्खन लगा लूं। हाँ बैठो मुझे नहीं रोटियों को लगाओ मक्खन अहमद को मक्खन लगा दो मैं जरा मुझे नहीं रोटियों को लगाओ तुम मक्खन। अच्छे तरीके से याद है बचपन में जब इधर आते थे मामू की तरफ तो मामी मक्खन नहीं लगाती थी नानी मक्खन लगाती थी ऐसे रोटी को और अम्मी भी साथ होती थी और काफ़ी समझ लें कि आज मक्खन लगते हुए रोटियों को देखेंगे तो क्या ज़माना याद आ जाएगा। ओह दूर की वजह से ये देखो चलो बिस्मिल्लाह करो मक्खन लगाओ मुझे नहीं रोटियों को आ जाओ जल्दी आ जाओ मैं मक्खन लगा दूंगा मुझे नहीं रोटियों को मक्खन लगाओ। मक्खन लाते रोटियां सांप वाली पटारी में बंद करनी है। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों परदेसियों नाराज मत होना ये सब आपके लिए वेलकम करती हूँ आपको अपने विलेज में। मक्खन लस्सी और तंदूर वाली मिर्चे हरी वाली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे मुंह में तो पहले पानी आ रहा है। थोड़ा क्लोज व्यू दिखाऊं ताकि और जो है ना मुंह में पानी चलो मक्खन सुभान अल्लाह नानी ऐसे लगाती थी मक्खन तुम मुझे नहीं रोटियों को ये देखें सुभान अल्लाह अब ये डबल डबल रखी जाएगी। अब दोबारा से अपने बहन भाइयों से सबसे माफी मांगो मेरी तरफ से अहमद की तरफ से माफी करते हैं अहमद क्लोज दिखाते हैं व्यू आपको तरसाते हैं अहमद प्लीज मत तरसाया करें। अच्छा जी चलें जी मैं क्लोज अप व्यू नहीं ले रहा हूँ। ऐसे मक्खन की शेप माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत आई है जी सुभान अल्लाह ये देखें सुभान अल्लाह। हमारे मिस्त्री कहीं भी काम करें लेकिन रोटी वो यही यहाँ पे खाते। हाँ वो इधर चूचू का काम कर रहे हैं आगे कोई नहीं रोटी तो सांझी है नसीब। किस किस को ये वाला जमाना याद है जी वो देखें जी मेरे लिए कुछ बनाया जा रहा है अभी क्या चाहती हो दीदी गुड धुएं नहीं पियें। राबिया के बाद जी मैं भी आप सब से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे खुद रहा नहीं जाता आप सबको ये ऐसे व्यू दिखाने से क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमारे प्रदेश में जितने भी बहन भाई रहते हैं तो वो इन चीज़ों को इस कल्चर को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं तो कोशिश होती है कि उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाए लेकिन ये मेरी मजबूरी है प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मक्खन लग गया हाँ जी तुम्हें मुझे नहीं रोटी को हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इन मिर्चों को काटा जाएगा नहीं नहीं राबिया वो वाली नहीं मांग रहा हूँ मैं नहीं 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 वो वाली नहीं इनको काट के छोटी छोटी बना के तो तंदूर में रख दो बस नहीं 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 हाँ नमक छिड़कना है ऊपर तो वही तो बना रही हूं ना वही वाली मतलब जैसे पहले बनाते हो ना ज्यादा घी ऊपर डाल के नहीं 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 वो नहीं बन रही इन्हें कुछ तिड़कावना है बल्कि मक्खन तिड़का रहे मक्खन में तिल इनको जो है ना बना दो। एक दफा याद है पठानी बाजी की तरफ से आया था मक्खन मक्खन घी था और मैंने जो खाया था तो जो मेरा हाल हुआ था वो फिर मुझे पता है। बस करो रबिया बस बहुत है थोड़ा सा ना रोटी पे भी दे देना मुझे ना साथ में आ जाए जी जिसने खाना है मक्खन रोटी अचार दोपहर का खाना लस्सी मैंने संभाल के रख दी कड़ी शेयर करनी है मुझे अपने बहन भाइयों से। लो जी ले जी एक नई रेसिपी कड़ी। हाँ जी सुबह मुझे कह रही थी कि अहमद आज बारिश हो रही है कड़ी बना दे मैंने कहा आज नहीं फिर किसी दिन बनाएंगे कड़ी
तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो, क्योंकि आप देखें ना कि राबिया की जैसे तबीयत रह गई उस बात पे, फिर हम लोगों को रेसिपी बनाने का टाइम भी नहीं मिला, फिर बारिशें इधर किचन में, फिर बनाना आना जाना, तो इस वजह से जो है ना हमने अभी दूसरे चैनल पे वीडियोज़ ही अपलोड नहीं किए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर वोटिंग रेसिपीज़ की थी, तो उस पर रेसिपीज़ ही आएंगे इंशाल्लाह। देखें ये ऐसे काटूँ या यूँ काटूँ? ऐसे ऐसे। हाँ, तो इस वीडियो का यहाँ पर करेंगे जी इख्तिताम, क्योंकि अभी मिर्चें हो रही हैं मक्खन में तैयार, खाएंगे जी रोटी। आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखते हुए हमें इजाज़त दीजिएगा कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। बताइएगा लाजमी कि आपने मुझे माफ किया या नहीं किया, अहमद को मक्खन कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। और ये भी आपने लाजमी से बताना है कि आप सब ने मुझे माफ किया या नहीं किया। इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, लुक की खड़िया में ई कर जा, अल्लाह हाफिज।